नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को सॉल्व करने में दोस्तों आपके 4 से 5 मिनट लगते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ, और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका एवरेज से, यानी औसत से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने में बेसिक से अगर जो आप सॉल्व करें, एक्स मान के सॉल्व करें, तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं, इसकी सहायता से दोस्तों आपको बिना पेन उठाए इसका आंसर देंगे। देखिएगा कैसे दिया जाता है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, इसमें आपको बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, या बड़ी और छोटी संख्या का योग, अंतर, गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछे तो उसके लिए दोस्तों आपको बिना एक्स माने कैसे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों आप एक्स मान के इस प्रश्न को सॉल्व करते तो लिखते एक्स, पहला संख्या एक्स, दूसरा संख्या एक्स प्लस वन, दूसरा तीसरा संख्या एक्स प्लस टू, ऐसे करके लिखते, ठीक है, और सबको जोड़ते, उसके बाद भाग करते, पसांतर करते, ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालते, उसके बाद एक्स में संख्या जोड़ते, ठीक है। तो इतना सब करने पड़ता है एक्स मानने पे, ठीक है। इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, तो समझिएगा। पहले आप समझिए औसत क्या होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ना 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो औसत क्या होता है पहले जान लीजिए। अगर मैं बोलूं दोस्तों 1, 2, 3, इसका औसत क्या होगा, तो आप औसत कैसे निकालते हैं, देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले समझ लीजिए बेसिक चीज़ें, आप जब समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इस टाइप के कभी भी प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो औसत निकाला जाता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका संख्या कितना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 बाई कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 संख्याएं, तो इसको 3 से भाग दे देते हैं, और इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, ये 6/3, 6/3 क्या हो जाएगा, 3 × 6, 2, इसका औसत क्या आया दोस्तों, 2 आया। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं आपको जो जो समझाना चाहता हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ, वो ये चीज़ कहने का मतलब है, औसत क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या होता है। अगर जो दोस्तों 3 संख्याएं हैं तो उसका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगा। अगर जो दोस्तों 5 संख्याएं हो, मान ले दोस्तों औसत इसका बताना है 3, 4, 5, 6 और 7, ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, ठीके? ये कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, आप बिना सॉल्व किए इसको बता सकते हैं, इसका औसत हो जाएगा 5, यानी क्रमागत संख्या जो दी गई ना, इसका औसत क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या, 2 इधर से छोड़ देंगे 2 इधर से छोड़ देंगे, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा, जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझ लेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न कभी भी आएगा तो दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये चीज़ समझिएगा। तो इसको हम देखें, अगर जो सॉल्व करें तो कैसे होगा, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 3, 25, या क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पे आया 25, और संख्याएं टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या है, तो 5 से भाग करेंगे, 25 5 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो इसका औसत क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। आप बिना निकाले भी क्या बताए थे, इसका औसत 5। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये चीज़ आ रहा होगा कि अगर 4 संख्याएं हो तो उसका औसत कैसे निकालेंगे, तो उसका भी औसत निकलता है। देखिए, अगर जो संख्याएं ऐसे हो 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं, तो इसमें कौन बीच वाला होगा, तो इसमें भी बीच वाला संख्या होता है, कौन होता है, 3 और 4 के बीच में जो होगा उस वही औसत होगा। तो यहां पे आप कह रहे होंगे 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, क्या होगा दोस्तों, 3.5 इसका औसत होगा। आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं, कैसे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, ये हो जाएगा 14 बटा में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, 14 को 4 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5, यानी कि औसत क्या होता है, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, औसत होता है बीच वाली संख्या, यानी क्रमागत संख्या जब कभी भी दे तो औसत उसका क्या होगा, बीच वाली संख्या होगा। तो अब यहाँ पे अब आते हैं अपने प्रश्न पे, इतना चीज़ अगर जो समझ गए होंगे तो दोस्तों आप 70 से 80% औसत के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा चीज़ दूँ, ताकि आपको बिना पेन उठाए प्रश्नों को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन लें, ठीक है। तो देखिएगा, ये कह रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे समझिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, पूछ रहा है। तो औसत क्या है दोस्तों, 7 क्रमागत संख्याओं का 20 है ना औसत, ये बीच वाली संख्या है, तो क्या होगा दोस्तों, 3 संख्याएं आपका इधर होगा, 3 संख्याएं इधर होगा,
समझ रहे कि नहीं? तीन संख्या क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा और तीन संख्या राइट साइड में होगा। अब कह रहा है सभी क्रमागत है, तो अगर जो राइट साइड वाले बोले तो 20 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, ये तीन हो गया। अगर जो इसके पहले वाला पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनकी औसत आप निकाल भी सकते हैं, तो औसत 20 ही आएगा, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, अब देखिए, बस आपको संख्या मिल गया, जो संख्या चाहिए वो चीज़ मिल गया है। कह रहा है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 23 दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर जो दोस्तों पूछ ले प्रश्न में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये 17 दिख रहा है ना, 17, ये 17 सबसे छोटी संख्या है। अगर जो इन दोनों का योग पूछ ले तो क्या बोलेंगे, 17 और 23 को जोड़ देंगे, 40 इनका योग हो जाएगा। अगर जो इनका अंतर पूछ ले तो क्या कर लेंगे, 17 यानी कि 23 में से 17 को घटा लेंगे, 6 इसका अंतर हो जाएगा। अगर जो इनका गुणनफल पूछ ले तो क्या करेंगे, 17 × 23 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका हो जाएगा, उसका गुणनफल हो जाएगा। तो इस टाइप के ये प्रश्न बनते हैं औसत से, ठीक है, और हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि औसत क्या होता है, औसत बीच वाली संख्या होता है। एक बार और समझा देता हूं, देखिएगा, इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है दोस्तों कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे, कैसा हो भी प्रश्न आए इस टाइप का तो आप सॉल्व कर लेंगे। औसत क्या कह रहा है, 20 कह रहा है, अब बड़ी संख्या कह रहा है तो यानी कि ये बीच वाला संख्या तो हो ही गया, यानी 7 संख्या है, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 संख्या होगा, यानी कि 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप ओरल सॉल्व कर लेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। अगर जो इस टाइप के भी प्रश्नों को दोस्तों आप एक्स मानेंगे तो 3 से 4 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी बता रहा हूँ बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों कभी भी प्रश्न इस टाइप का है तो आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। एक्स मानेंगे तो 3 से 4 मिनट निश्चित है लगेगा, ठीक है। एक्स मान के कितना हो फास्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइप के अगर जो प्रश्न आए, प्रश्न किस टाइप का हो, देखिएगा, यदि किसी वस्तु को ₹100 में, यानी कि ₹100 में कुछ भी रुपए यहां पे दे दे, बेचने से उतना ही लाभ होता है, ये चीज कहे उतना ही लाभ होता है जितनी कि ₹Y, यानी कि कुछ भी रुपए दे दे, बेचने से हानि होती है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, x + y/2 बस इतना ही करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, x + y/2। अगर जो बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में यही आता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। बेसिक से करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है, ये समझ लीजिएगा, लास्ट वाला जो इसका स्टेप होता है यही होता है। 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने से हानि। तो इसके लिए क्या करेंगे, x + y/2, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप समझिए, ये जो वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, किस टाइप का प्रश्न है, ₹100 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो जो रुपए दिया हो, यानी पहले में क्या दिया है, 425 रुपए दिया है, 425 + 355 दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 7, यानी कि 780 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 780 और बटा में 2, 780 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 390 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया दोस्तों, 390 आ जाएगा। क्या आएगा, 390। 390 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार और समझा देता हूं, समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ समझना है, बस ये चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और प्रश्न का टाइप क्लियर होना चाहिए। ₹100 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे ₹Y में बेचने से हानि होती है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि x + y/2, जो आंसर आ जाएगा इसका कितना आया दोस्तों, 390 रुपये आया। यही इसका क्या
क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपके लिए दोस्तों एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ईबुक है दोस्तों। ये ईबुक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईबुक है दोस्तों। इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, पंचम पब्लिशर दोस्तों इसकी कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहाँ सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए परीक्षा से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका साधारण व्यय से है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न को भी दोस्तों आपको बताऊंगा बिना साधारण व्याज का फॉर्मूला लगाए आप कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में। देखिएगा इस प्रश्न को भी अगर जो दोस्तों बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 5 से 6 मिनट लग जाएगा, ठीक है, 5 से 6 मिनट लग जाएगा बेसिक अगर जो मेथड लगाए, साधारण व्याज का फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है कुछ ही सेकंड में। देखिएगा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 होती है, वह राशि क्या होगी। वह राशि पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको साधारण ब्याज की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, बस जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ समझिएगा। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अगर जो मान ले दोस्तों 100 रुपये एक राशि है, अगर जो इसे साधारण ब्याज यानी कि SI पे अगर जो दोस्तों दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI पे अगर जो इसे चलाया जाए, अगर जो इस पे 10% का ब्याज दिया जाए, ठीक है, तो पहले वर्ष इस पे क्या होगा दोस्तों 10 रुपये मिलेगा, दूसरे वर्ष भी क्या होगा दोस्तों 10 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों इस पे 10 रुपये ही मिलेगा। यानी साधारण ब्याज हर साल दोस्तों उतना ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर यही 100 रुपये को 10% पे CI पे दिया जाए यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाए यानी इसको 100 रुपये को, तब इस पे क्या होगा दोस्तों पहले वर्ष क्या होगा दोस्तों, पहले वर्ष तो इस पे 10% मिलेगा, 10% पे ही दिया जाए तो पहले वर्ष क्या होगा 10 रुपये, और दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों 10% पे भी 10% मिलेगा, यानी 10 रुपये इसका ब्याज हुआ ना, ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को समझिएगा दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह 10% आपको मिलेगा, दूसरे वर्ष क्या होगा ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि जो आपको 10% ब्याज मिला ना तो उसका भी 10%, यानी कि 10 का 10% क्या हो जाएगा 1 रुपये हो जाएगा ना, 1 रुपये, यानी कि दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा इस पे 11 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों ये 11 रुपये मिला ना तो इस पे भी दोस्तों 10% मिलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पे ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों हर साल एक ही ब्याज मिलेगा, यानी कि 10% की ब्याज है तो यानी 100 रुपये पे तो 10 ही रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 10 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो 10 रुपये मिला, दूसरे साल तो क्या हो जाएगा वो 10 रुपये पे भी 10% लग जाएगा, फिर अगले साल क्या होगा उस पर भी 10% लगेगा, जितना रुपये बढ़ेगा उस पर ब्याज का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इसमें यह प्रश्न को समझने से पहले आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 होती है, वह राशि क्या है, पूछ रहे ना वह राशि क्या है। तो आपको थोड़ा सा दोस्तों यहां पे मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, समझिएगा 3 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 3 वर्ष में होता है 815 रुपए, ठीक है, और 4 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 4 वर्ष में होता है ये 854 रुपए, क्या होता है 854 रुपए होता है, और साधारण ब्याज पे है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, ठीक है, ये चीज आपको बतानी, 1 वर्ष में कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष में 815 हुआ है या 4 वर्ष में क्या हुआ है 854, तो 4 वर्ष में से 3 वर्ष घटा देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा, यानी कि 854 में से 815,
854 में से क्या करेंगे दोस्तों, 854 में से 815 रुपये घटा देंगे तो एक वर्ष का आ जाएगा। 854 में से आप क्या करेंगे, 815 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 रुपये आ जाएगा। एक वर्ष का ब्याज क्या आ रहा है दोस्तों, 39 रुपये आ रहा है, यानी कि हर साल ये क्या होगा दोस्तों, 39 रुपये ही बढ़ेगा। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल उतना ही ब्याज बढ़ेगा, यानी कि एक साल में जब 39 बढ़ा है तो तीन साल में भी क्या होगा, 39 रुपये बढ़ेगा। 39 ऐसे करके ना बढ़ेगा, एक साल में 39, दूसरे साल में भी 39 रुपये बढ़ेगा, तीसरे साल में 39 रुपये। तो यहाँ पे जो समझाने वाली चीज है समझिएगा दोस्तों, एक साल में ये क्या बढ़ा है दोस्तों, 39 रुपये, एक साल में 39 रुपये। और कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष में 815 होती है, 815 होती है, और एक साल में कितना बढ़ा है दोस्तों, 39 रुपये। तो तीन साल में क्या होगा, 39 × 3 यानी 3×9 = 27 का 7 हो जाएगा, 3×3 = 9, 2×11 117 रुपये। तीन साल में ब्याज कितना बढ़ा, 117 रुपये बढ़ा। और यहाँ पे देखिएगा, अब पूछ रहा है वह राशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए, तीन वर्ष में 815 हुआ है ना, तो ये तीन वर्ष का जो ब्याज है ना 117, यही घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा, यानी कि 815 में से 117 घटा देंगे। क्या करेंगे, 815 में से 117 घटा देंगे, तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से घटाइए, 15 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे, यानी 5 है ना, 5 में 7 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे, 15 में से 7 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 1 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जा 6, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा 698 रुपये, यानी कि वह राशि क्या थी, 698 रुपये थी। 698 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। एक बार और समझाता हूँ, देखिएगा कैसे बिना पेन उठा इसको सॉल्व किया जाता है, ये चीज समझिए। देखिए कह रहा है ना, एक राशि साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष में 815 और चार वर्ष में 854 होती है, वह राशि क्या है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक वर्ष का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चार वर्ष में से तीन वर्ष घटा देंगे तो एक वर्ष का आ जाएगा, 854 में से 815 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक वर्ष का दोस्तों 39 रुपये आ रहा है, एक वर्ष का 39 रुपये आ रहा है। कह रहा है तीन वर्ष में 815 होती है और पूछ रहा है वह राशि क्या है, तीन वर्ष में 815 होती है और वह राशि पूछ रहा है, तो तीन वर्ष का दोस्तों ब्याज क्या हो जाएगा, तीन वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का 39 है तो तीन वर्ष का 39 × 3 यानी कि 117 हो जाएगा ना। अब 117 क्या करेंगे दोस्तों, 815 से घटा लेंगे, 815 से क्या करेंगे, 117 घटाएंगे, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज के आपको फार्मूला भी नहीं लगाना है, बस इतना करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 698 रुपये। 698 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना ही दोस्तों करना, आप चाहे तो इतना ओरल ही कर सकते हैं, दिमाग में इतना कैलकुलेशन करके कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे देंगे बिना साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों आपके प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों मैं समय समय पर वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहता हूं और सारे वीडियो को आपको लिंक भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा, शेयर वाला सिंबल ऐसे होगा, यहां पे क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा, जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।